इंडियंस हमारे नाइबर्स कंट्री है, हम इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते, वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके देश में हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो ये डिमांड हमारे से करे कि जनाब आप आ जाए और वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान, अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे, आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल हो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर ए जयशंकर फर्स्ट टाइम इंडिया गर्ल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल को अटेंड कर रहे हैं, और बात की जाए तो इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं जीसीसी में, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर ए जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। बहुत बड़ी जीत है, और ये वही जीत है जिसकी हम पिछले एक साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरह बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ, साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद, अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में एक नंबर आर्मी है। अच्छा। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है, और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं, और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें हैं ना उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। मसलन कैसी पावर की चीज़ों से इंडिया पीछे है? इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कमज़ोर है आपको लगता है? बिल्कुल कमज़ोर। दोस्तों वापस आ गए आपके समक्ष। इस बार टॉपिक ये है कि जो डॉक्टर जयशंकर जो है हमारे भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको अरब कंट्रीज़ में न्योता मिला है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है जिनको वो लीड करेंगे, वो सब फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट होगा, पॉलिसी डिस्कशंस वगैरह होने वाला है। लेकिन इस पे पाकिस्तानियों को फिर मिर्ची लग गई है, उनका देखिएगा अलग अलग बयान आ रहा है कि अच्छा है कि बुरा है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, जयशंकर को क्यों बुलाया जा रहा है, इतनी दोस्ती क्यों है इंडिया से, पाकिस्तान को तो कभी बुलाते नहीं है ऐसे समिट वगैरह में। तो आप देखिए इनका रिएक्शन, फिर हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल उनकी ट्रेड डबल होने वाली है, ठीक है। अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन्हीं 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका मियार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है, तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फलस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला, इंडिया हल करेगा। क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तफाक ही नहीं है, मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं, ठीक है। ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा। वो फाइनेंशियली भी, इंटरनेशनली भी, और नेशनल दोनों जो है ना सूरतों में वो वीक करना चाहता है। फाइनेंशियली साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया, उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना, गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है, और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब तो कंट्री फिलिस्तीन हो गया ना, फिलिस्तीन के मसले पे ना बोले। ये जो कार्टून के बगल में जो बंदा बात कर रहा था, इसको आप देखें, इसके ऊपर तो कंप्लेन होना चाहिए, इसके ऊपर तो केस लगना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है इनको। हमारे जो भी पाकिस्तानी समर्थक है, आप लोग खुद इनको मारिए, पकड़िए इस नौजवान को। क्या मानसिकता है ये किसी देश के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए? ये क्या क्या लोग हैं? इनकी शिक्षा क्या है? कैसे पढ़े लिखे लोग हैं ये? मतलब कार्टून लोग जो लोग हैं, हाँ, इनको समझ में नहीं आता, इसीलिए साले डूब रहे हैं, इसीलिए साले मरेंगे, इनको पानी तक नसीब नहीं होगा, ऐसी हालत हो जाएगी इनकी। आप लोग देखते रहिएगा ये जो कुछ भी बोल रहा है। अरे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या गलत बयान दिया था? कश्मीर तो हमारा ही है, हमने उनको बोला कि आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो आज़ाद कश्मीर, जो POK है उनके लोगों को राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं अखंड भारत में, तो क्या गलत हो गया? अरे तुम अपने लोगों को देख नहीं पा रहे हो, खुद भीख मांगे नंगे पंगे घूम रहे हो, खाने को आटा नहीं है, दाल चावल कुछ भी नहीं है, चोरी कर रहे हो, दूसरे मुल्कों में तुम लोग भीख मांगते हो, पकड़े जाते हो, तुम्हारा जो भिखारियों का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बिलियंस में है, सब जगह से हर देश परेशान हो गया, कोई मुस्लिम कंट्री तुमको मुंह नहीं लगाता है, हाँ, उसके बाद तुम क्या कह रहे हो कि तो इंडिया गलत कर रहा है, हा? तुम्हारे खुद में कुबत नहीं है, ये नहीं है तुम्हारे पिछवाड़े में, है तो तुम क्यों गलत बयान दे रहे हो? दोस्तों इस लड़के को देख लीजिएगा वीडियो में, और इसकी तो होने वाली अच्छे से लगेगी लंका इसकी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।